दर्शकों नमस्कार। खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां असीवन थाना क्षेत्र अंतर्गत महमूदपुर गांव निवासी अशोक पेंटर के खेत में खुदाई के दौरान एक लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की सोने की मूर्ति और एक कछुआ की मूर्ति, सिक्का, एक रुद्राक्ष और एक चाबी मिली, जो पूरे क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय। आपको बताते चलें कि जनपद उन्नाव के असीवन थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव के अशोक के खेत में निकली पीली धातु की मूर्तियों का खुल गया है राज। पुलिस ने ढोंगी युवक व उसके भाई और पिता को गुमराह कर पैसे वसूली का आरोप लगाकर हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की, जहां जमा भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। आइए जानें जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा क्या कुछ कहा गया और किस तरह हुआ मामले का खुलासा और युवक की योजना का हुआ भंडाफोड़। ये मामला असीवन थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके दो लड़के पिछले दो दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियाँ निकली हुई हैं और वहाँ पर अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो प्रथम पहली बार उनको समझाया गया, बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियाँ उन्होंने अमेजान से मंगाई हुई थी, जिसके प्रमाण भी मिले हमें, और फिर गाँव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोग लोगों को बहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चले वाले नहीं, ये ऑनलाइन मंगाया है, ये देख लो, ये गोरे लाल ने डिलीवर किया है, ये देख लो ना, पब्लिक को चूतिया वाला की मजदूरी कर रहा है। भैया इसी पीछे आ गए, पीछे आराम से डांट देख के डांट देख, तुम बना घूम रहा है, पूरा घर शामिल है साला, हमारा पूरा प्रूफ है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल प्रणवित निवेक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।